पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लोकसभा सीट से भाजपा ने एक बार फिर से कुंवर सर्वेश सिंह पर विश्वास दिखाते हुए मुरादाबाद से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उनके नाम की घोषणा होते ही मुरादाबाद के भाजपाई खुशी से झूमने लगे और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई देते नजर आए। 2019 लोकसभा चुनाव की तारीख तय होते ही मुरादाबाद लोकसभा सीट को असमंजस की स्थिति लोकसभा सीट को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। पिछले कई दिनों से तरह तरह की अफवाहें उड़ रही थी। एक बार तो मुरादाबाद से अमर सिंह के चुनाव लड़ने की अफवाह ने भी जोर पकड़ा, लेकिन आज देर शाम चुनाव प्रभारी जेपी नड्डा ने दिल्ली भाजपा कार्यालय से 182 भाजपा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करते ही लोकसभा चुनाव ने तेजी पकड़ ली। इस लिस्ट में मुरादाबाद लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद कुंवर सर्वेश सिंह का नाम आते ही मुरादाबाद के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। भाजपा कार्यकर्ता अपने घरों से निकलकर एक दूसरे को बधाई देने लगे। कुछ कार्यकर्ता तो ढोल नगाड़ों के साथ सड़क पर ही नाचने गाने लगे, पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार करते रहे। वहीं वरिष्ठ भाजपाइयों ने इस अवसर पर एक दूसरे को लड्डू खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। इस अवसर पर बोलते हुए भाजपा महानगर अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता ने भी इसे मुरादाबाद के विकास की जीत बताया और इस सीट पर केवल सर्वेश सिंह ही जिताऊ उम्मीदवार है, उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। और जहां तक कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर की बात है तो उनकी तो जमानत जब्त कराकर भाजपा के कार्यकर्ता भेजेंगे। आज कुंवर सर्वेश सिंह सांसद जी का दोबारा से टिकट हुआ है, इसी के कारण ये सब लोगों में उत्साह है और उसी के फलस्वरूप सब लोगों में बहुत भारी उत्साह है और सबका मन है। और पिछली बार जितने वोटों से जीते थे उससे दुगने वोटों से इस बार जिता के भेजेंगे। राज बब्बर यहाँ आए हैं चुनाव लड़ने, एक बार यहाँ से अजहरुद्दीन जीत गए थे 2009 में, वो जो कहते हैं कि अंधे के हाथ बटेर लग गई, वही अब दोबारा ना समझे। इस बार राज बब्बर की यहाँ से जमानत जब्त करा के हम भेजेंगे, कार्यकर्ता सब लोग लगेंगे और दिलदान से मेहनत करेंगे और पूरे मनोयोग से लड़ने के बाद इतने भारी मतों से यहाँ जिताएंगे जो आगे भी कोई इस तरीके का बाहर का प्रत्याशी आने की कोशिश ना करे। भाजपा की फाइट में कोई रहेगा? कोई नहीं रहेगा, फाइट तो एक तरफा होगा। यहाँ पे हम सब लोगों का उत्साह है और हम नए पार्टी हमारी काम कर रही है लगातार, टिकट अब हो रहा है लेकिन हम लगातार विधानसभा के साथ बाद से संगठन हमारा काम कर रहा है हर बूथ पे, तो हमारा किसी से कोई मतलब ही नहीं है। हमारा इतना है कि हम जो भी आएगा उसे पूरी, बल्कि आप यह मान के चलो कि जमानत जब्त ही होगी कांग्रेस की। बिल्कुल कांग्रेस की तरफ इशारा जा रहा है? नहीं, जो भी है जिससे भी फाइट होगी हम उसे करा के ही भेजेंगे यहाँ से, ऐसा कुछ है नहीं। हमारा पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा अपना बना हुआ है, सब समीकरण हमारा सही है। अपनी पहली प्रत्याशियों की सूची जारी की है, पहली सूची में ही मुरादाबाद के सांसद कुंवर सर्वेश कुमार जी का टिकट घोषित हुआ है। सांसद जी के टिकट घोषित होने से मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में अत्यंत उत्साह है और उसी उत्साह के वशीभूत होकर कार्यकर्ताओं ने मिठाई का वितरण किया है, पटाखे छोड़कर आतिशबाजी छोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया है और सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए, माननीय मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमर से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। क्या कोई सामने वाले किसी से कोई फाइट है? हमारी किसी से कोई फाइट नहीं है। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र में एकमात्र प्रत्याशी जीतने वाले सांसद बनने वाले कुंवर सर्वेश कुमार सिंह हैं, उनके सामने जो भी आएंगे और जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जीत हमारी सुनिश्चित है। अमर सिंह का नाम बड़े तेजी से चल रहा था। अमर सिंह जी के नाम भारतीय जनता पार्टी से चल रहा था, वो मीडिया की उपस्थिति जैसे नाम आया था वैसे ही चले गया। अब चूंकि टिकट घोषित हो गया है तो अमर सिंह जी के नाम की कोई बात खत्म हो गई, कोई बात ही नहीं बची।